नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूँ आरती बाला आपके साथ। मुंगेर के तारापुर से खबर सामने आ रही है जहां पर एक महिला बैंक कर्मी से कुछ उचक्कों ने उनका चेन छीन लिया और मौके से फरार हो गए। बता दें आपको कि वो हमेशा की तरह अपना काम समेट कर घर वापस जा रही थी, जिस दौरान पहले से घात लगाए अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। वहीं पुलिस जो है सीसीटीवी के आधार पर इन अपराधियों की जांच कर रही है। क्या है पूरा मामला, दरअसल वो हम आपको समझाते हैं। मुंगेर के तारापुर में उचक्कों ने एक महिला बैंक कर्मी का चेन छीनकर मौके से फरार हो गए। घटना तारापुर थाना क्षेत्र के आरएस कॉलेज के पास की है। दरअसल बैंक ऑफ इंडिया तारापुर शाखा में कार्यरत एक महिला कर्मी रोज की तरह बैंक से अपना काम खत्म कर अपने घर जा रही थी कि तभी बाइक पर सवार उचक्कों ने महिला कर्मी के गले से सोने का चेन छीन कर मौके से फरार हो गए। सुनिए इस बाबत महिला ने क्या कहा। बैंक ऑफ इंडिया में अपना काम करके रूम जा रहे थे, उसी बीच दो बाइक सवार आए खड़गपुर रोड की तरफ से बाइक रोक लगा मेरा चेन छीन कर। कितना का चेन हुआ? 60,000। कहाँ आई थी आप? मैं काम करके बैंक ऑफ इंडिया में अपना काम करके रूम जा रहे थे, उसी बीच की ये कहाँ पे घटना घटी? आरएस कॉलेज के पास। बता दें कि महिला के दोनों हाथों में कुछ सामान था जिस कारण ये महिला खुद का बचाव ना कर पाई। वहीं इस पूरी घटना के बाद महिला थाने पहुंची। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस आसपास में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में जुटी है। तो इस खबर से आपने बखूबी ये अंदाजा लगा लिया होगा कि मुंगेर में अपराधियों के हौसले आखिर कितने बुलंद हैं कि उन्होंने महिला बैंक कर्मी के साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। इस बीच जब महिला थाने पहुंची और इसकी भनक जब पुलिस वालों को लगी तो वो आसपास में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में जुटे हैं और अपराधियों की छापेमारी को लेकर कार्रवाई चल रही है। फिलहाल ऐसी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप यहीं जुड़े रहे हमारे साथ और तब तक के लिए मैं दी इजाजत। नमस्कार।